आज की हमारी इस क्लासेस में हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का दूसरा टॉपिक है। हम बात करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में बात की थी बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, हम बात करेंगे इससे आगे के टॉपिक की। सॉरी, जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, कल क्या हुआ था क्लास में? कंडीशनल कल नहीं हुआ था, परसों क्लास हुई थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने देखा था कि हाईलाइट में कैसे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन को हाईलाइट किया जाता है, टॉप और बॉटम कैसे किया जाता है, डेटा बार में बार कैसे लगाया जाता है, कलर स्केल क्या है, आइकन सेट में आइकन कैसे इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इन सबों में जो है अधूरे है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ग्रेटर देन है बट ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है सर, राइट? तो ग्रेटर देन है बट ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। तो इसमें क्या है कि मोस्ट यूजेस कमांड बाहर है, वो हमारा मोस्ट यूजेज कमांड है, लेकिन यहाँ मोर रूल्स में या न्यू रूल्स में जाए तो बाकी कमांड मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए आपका नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ग्रेटर देन, बिटवीन, नॉट बिटवीन दिख रहा है आपको। जैसे हमारे मान यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने दे दिया 50, और फिर यहाँ फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाने के बाद हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लिया। तो कितने 50 आपका हाईलाइट हो गया। इसी तरह से इसके चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट सेल्स में ये आपके लॉजिकल कंडीशन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, जो आपका कंडीशन है उसको सेलेक्ट कीजिए, कंडीशन दीजिए और फॉर्मेट पे इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ सेल वैल्यू पे आते हैं, इसमें टेक्स्ट है। टेक्स्ट में हमने आपको कल बताया था कंटेन, जैसे मान लीजिए आपका न्यू दिल्ली और दिल्ली था ना, याद होगा लास्ट क्लास में बताया था मैंने। तो अगर यहाँ पे दिल्ली है तो अगर मैं इक्वल टू करूंगा तो दिल्ली भी हाईलाइट होगा। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको सेल दैट कंटेन, उसमें क्या था कि अगर मैं यहाँ पे दिल्ली लिख पाऊं तो दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों हाईलाइट होता है। लेकिन इसमें जाएंगे न्यू रूल्स में और फॉर्मेट में और यहाँ पे टेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंटेनिंग नॉट कंटेनिंग, मतलब कि दिल्ली के अलावा सारे हाईलाइट हो जाएगा, या फिर विगेन भी जो जिसका वर्ड डी से स्टार्ट हो रहा है या जी से स्टार्ट हो जाए तो जी वाले सारे हाईलाइट हो जाए। तो बस यहाँ पे वो करेक्टर या वर्ड आप यहाँ पे दे दीजिए, वो आपका उस वर्ड से जो भी है वह सारा हाईलाइट हो जाएगा आपका, ठीक है? ओके, तो ये आपका टेक्स्ट था। फिर डेट ऑफरिंग वही है जो बाहर आपने देखा था, ब्लैंक, ब्लैंक सेल को हाईलाइट करेगा, नो ब्लैंक, ब्लैंक के अलावा हाईलाइट कर देगा, एरर, नो एरर। एरर में हम लोग काम करते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब डेटा पे यूज करते हैं तो हमारे पास काफी सारा एरर आता है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, एक डेटा है मेरे पास और इसमें बहुत सारे जगह पे एरर्स है, बहुत सारे जगह पे वैल्यू है, तो मैं चाहता हूँ कि एरर विजुअल ना हो। तो इसके लिए हमारे पास इफ एरर, इज एरर और भी बहुत सारे मेथड है ना, लेकिन मुझे विजुअल ही हटाना है।
तो हम एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, न्यू रूल्स में, और यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट ओनली कंटेन पे, और यहाँ पे नो एरर पे आते हैं, और फॉर्मेट पे जाते हैं, और यहाँ बॉर्डर में कई फिल में जाते हैं, फिर फॉन्ट पे करेंगे, क्योंकि इसकी बैकग्राउंड कलर वाइट है तो मैं इसको भी वाइट कर देता हूँ एंड ओके। ठीक है एंड ओके कर दिया, तो एक में कलर इसमें है लेकिन विजिबिलिटी से बाहर हो गया। ठीक है समझ में आया सर आपको? ओके सर, ओके सर, अब बात आती है फॉर्मूला की, मतलब कि हम कंडीशन और चेंज करना चाहते हैं और फॉर्मूला कहीं और लगाना चाहते हैं, राइट? हूं कि टोटल का 10% और ग्रेटर देन, मैं टोटल का 10% और ग्रेटर देन 10,000 है तो पूरा रो हाईलाइट हो जाए, मान लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, अब देखिए याद रखिएगा, जब भी कोई फॉर्मूला आपको ट्राई करना है तो एक सिंगल सेल आप सेलेक्ट करेंगे। तो न्यू रूल्स पे आते हैं, यूज फॉर्मूला, और यहां पे हम देते हैं, यहां जाके इक्वल हम टोटल का 10% निकालते हैं और वो ग्रेटर देन 10,000 होना चाहिए। और याद रखिएगा जब भी कहीजिएगा तो डॉलर साइन हटा दीजिएगा, ताकि नीचे जब इसको फॉर्मेटिंग ड्रैग करें तो वो N2 N3 के ऊपर जाए, वरना डॉलर लगा रहेगा तो N1 को ही लेके चलेगा। फॉर्मेट आते हैं और हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी कलर चाहिए, ग्रीन करता हूँ, ग्रीन, हाँ ग्रीन ले लेता हूँ, ओके। एंड फॉर्मेट प्रिंटर से हम इसको पेंट करते हैं। लग रहा है कि कंडीशन कोई नहीं गया, एक मिनट, मैं एक मैनेज रूल में जा सकते हैं और जो पुराना रूल से उसको सिलेक्ट कीजिए और उसको हाईलाइट कीजिए। 10,000 ज्यादा हो गया लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ, 1,000 कर देता हूँ। हो गया सर, इसी तरह से मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे अकाउंट नंबर है और मैं चाहता हूं कि इसमें सिर्फ नंबर एंट्री करे, कोई टैक्स एंट्री ना करे, कोई टैक्स एंट्री करे तो हाईलाइट करके मुझे बता दे, सिर्फ नंबर ही एंट्री हो। यहाँ न्यू रूल्स में जाऊंगा, यूज फॉर्मूला, और यहां पे आऊंगा, यहां लगाऊंगा मैं इज एरर, क्योंकि इज एरर ऐसा फॉर्मूला है जो कि बताता है कि ये एरर नहीं है। इज टेक्स्ट, माफ कीजिएगा, इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स में ही चलता है तो आप कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मेटिंग डाल दीजिए, रेड हो जाए, ओके एंड ओके, फॉर्मेट प्रिंटर से नीचे तक पेंट कर दीजिए, और इसमें जैसे टेक्स्ट डालेंगे तो रेड हो जाएगा। अब बात करते हैं नवीन जी के क्वेश्चन पे। नवीन जी ने क्वेश्चन किया था कि मुझे टॉप 3 सिलेक्ट करने हैं बट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, राइट सर? जी सर, तो मान लीजिए हम इसी डेटा को उठाते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो मेरे पास फॉर्मूला है 1 2 3, तो एक फॉर्मूला है हमारा लार्ज का, लार्ज का फॉर्मूला होता है, मैं पहले लगा कर दिखाता हूँ कि किसी भी में आप फर्स्ट लगा, मतलब कि एक मैक्स का होता है, जी
ये मैक्सिमम सीरियल नंबर दे सकते हैं आपका, कि ये पहला सबसे हाईएस्ट आपका 81 था, फिर यहाँ पे लास्ट इसने इसको सेलेक्ट किया कॉमा, इसको लिया, ये आपका आ गया 75, और फिर यहाँ पे लार्ज में ये आ गया आपका तीन, इस तरह से अलग अलग लार्ज आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान, अगर रिपीट हुआ वैल्यू, जैसे 81 दो बार आ गया तो यहाँ दो बार आएगा सर, इसकी कोई समस्या नहीं है। तो अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला। अब यहां पे मैं फॉर्मूला देता हूं लार्ज, लार्ज, और हम इसमें से पूरा रेंज देते हैं सेलेक्ट, और फिर इसको लेते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा जो टू है उसका हम डॉलर हटा देते हैं, बाकी डॉलर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, और इसको कलर करते हैं हम ए ग्रीन, ओके। नहीं नहीं इसमें इसमें तो वन देना था ना, माफ कीजिएगा, फिक्स है ना पे वन, एंड ओके। वन हुआ, ई में वन दिया मैंने, तो कलर क्यों किया इसने, वन तो ये होना चाहिए ना। अगर हाँ हमने कुछ ऐसा कंडीशन नहीं दिया ना, इज इक्वल टू ए ई टू, हाँ क्योंकि ट्रू फॉल्स में चलता है ना, कंडीशन दीजिएगा तब चलेगा ना। हमने हुआ, अब इसको फॉर्मेट प्रिंटर से मैं प्रिंट कर देता हूँ, एटी वन हाईलाइट हो गया। अब इसी तरह से मैं न्यू रूल्स पे जाऊंगा, यूज फॉर्मूला, और यहां दूंगा मैं इक्वल लार्ज, लार्ज में हम इस पूरे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहां पे हो जाएगा हमारा कॉमा टू इज इक्वल टू, हम सेलेक्ट करेंगे इसको और इसका टू का डॉलर हटा देंगे, फॉर्मेट में जाते हैं और फिर हम इसको इस कलर से ले लेते हैं, ओके एंड ओके, और फॉर्मेट प्रिंटर से हम नीचे की तरफ कर लेंगे 75 को नहीं लाइट हुआ। फिर लार्ज के स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, ऐसे तीसरा चौथा पांचवा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि क्या हर चीज में फॉर्मूला लगाना जरूरी है, जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं, एंड बिटवीन करके हम फॉर्मूला लगाते हैं, काम करता 20 नहीं 90 का जाता हूँ, तो यहाँ पे इसको वैल्यू पेस करता हूँ। मुझे इसमें क्या करना है, सर्च मैं ऊपर जो वैल्यू लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 43 43, तो जहाँ जहाँ 43 है वो सारा हाईलाइट हो जाना चाहिए, समझे। तो उस केस में हम जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला लगाए, आप यहाँ इक्वल टू पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे 50 60 50 जो लिखते हैं उसके जगह पे आप किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं, दिया यहाँ देखिए हो गया हाईलाइट, यहाँ पे मैं 60 लिखूंगा हाईलाइट हो जाएगा, 70 लिखूंगा 70 हो जाएगा, 80 लिखूंगा 80 हो जाएगा, 40 लिखूंगा 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 90 लिखूंगा तो 90 हो जाएगा, ओके। और साथ में एक चीज और हमने आपको बताया था कल, कि जैसे कि डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट हाईलाइट कर, देखो मान लीजिए कि अकाउंट नंबर ही है हमारा, और मैं वन लिखा और नीचे कहीं वन लिखता हूँ, तो दोनों हाईलाइट हो जाते हैं अगर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइट डुप्लीकेट करता हूँ, बट मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे सबसे पहला छोड़ के मतलब जो दोबारा वो हाईलाइट होना चाहिए,
ठीक है, ओके सर। मतलब कि वन नहीं हाईलाइट हो चाहिए, पहला छोड़ के बाकी हाईलाइट होना चाहिए। मतलब कि मैं चाहता हूं कि जैसे ए हाईलाइट होना चाहिए। ओके मैंने यहाँ पे टू लिखा तो टू ठीक है, और नीचे भी टू लिख दिया या उसके नीचे भी टू लिख दिया, मैं दो बार लिख दिया, तो ये दोनों हाईलाइट होना चाहिए, बट ऊपर वाला टू हाईलाइट नहीं होना चाहिए। अच्छा तभी तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि हाँ ये डुप्लीकेट है, मतलब कि दोबारा आया है, इसे पहले था। ऊपर का ओरिजिन, ओके समझ गए। तो ऐसे कैसे करें, क्योंकि इसके लिए कंडीशन वर्डिंग में रूल्स तो है नहीं, वर्डिंग में इसके लिए तो कोई रूल्स है नहीं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है काउंट इफ का। काउंट इफ फॉर्मूला क्या करता है कि किसी सेल वैल्यू को किसी सेल में काउंट करता है। देखिए यहां पे देखिए इसने दो दे दिया, जहां जहां वन है वहां वहां दो ही देगा। तो मुझे काउंट इफ से कुछ ऐसा करना है कि यहां पे काउंट वन आ जाए, यहां पे काउंट टू आ जाए, और नीचे कहीं वन लिखा हुआ है तो वहां पे काउंट थ्री आ जाए, इस तरह से सीरियल नंबर हो जाए। तो उसके लिए मैं यहां पे लगाऊंगा काउंट इफ का फॉर्मूला, और मैं थोड़ा सा काउंट इफ में थोड़ा सा ये दे दूंगा F2, F2, F2। ध्यान दीजिएगा F2 से F2, F2। अब मैं यहां पे पहले वाले F2 को फ्रीज कर दूंगा, इससे क्या होगा कि अब सीरियल नंबर जनरेट हो जाएगा। हो गया, ये पहला वन, ये दूसरा वन, ये तीसरा वन, ये पहला टू, ये दूसरा टू, ये तीसरा टू। हो गया सर। तो हुआ कैसे, हो क्या रहा है कि जहां फॉर्मूला लग रहा है तो हमने जो यहां पे किया कि हमने बोला कि F2 से F2, सॉरी F यहां यहां पे F2 से F2, F2, राइट। तो इसे इसे तो पहला F2 हमारा फ्रीज है, बाकी F2 फ्रीज नहीं है, तो ये नीचे F3 हो गया, तो ये हो गया F2 से F3 हो गया रेंज। नीचे का ट्रैक हो रहा है, तो जहां फॉर्मूला लग रहा है वो सिर्फ अपने से ऊपर वाले तक का ही रेंज ले रहा है, नीचे की रेंज ले रहा नहीं है, इसलिए ये सिक्वेंस में दिखा रहा है, राइट सर। तो न्यू रूल्स पे जाता हूं, यूज फॉर्मूला, और एक सेम काउंट इफ मैं यहां लगा देता हूं, इक्वल काउंट इफ, ये जगह हमारा F2 से F2, F2, और पहले वाले F2 में हमारा डॉलर, ठीक है, इज इक्वल इज ग्रेटर देन वन, और हमने रेड कलर ले लिया, राइट सर। और फिर फॉर्म पेंट से नीचे की तरफ पेंट कर देता हूँ, हो गया। कोई डाउट सर? बात आती है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला और भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन क्या है कि हमने अभी तक फॉर्मूले को सही से पढ़ा नहीं, समझे, फॉर्मूले को सही से पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले को छोड़ते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को छोड़ते हैं, क्योंकि जब हम फॉर्मूला करेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाकी चीजों पे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है सर। तो अगली क्लास हमारी है प्रोटेक्शन मेथड की, जो कि हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। पर इसकी प्रैक्टिस अच्छा से कर लीजिएगा, जहां पे डाउट होगा